बच्चे मतलबी कैसे बनते हैं, या बच्चों को सेल्फिश बनने से हम कैसा अवॉइड करेंगे, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुख्यतज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए, बच्चा, हर बच्चा खास होता है। हर बच्चे में कुछ ना कुछ डेफिसिट्स है, कमजोरी है, और हर बच्चे में कुछ ना कुछ पावर है, काबिलियत है, और वो कुछ भी कर सकता है। जो बच्चा जो विषय में या जो हिस्से में कमजोर है, वहाँ उसको सपोर्ट करना जरूरी है, और जो हिस्से में, जीवन के जो हिस्से में वो बहुत काबिलियत उसकी है या काबिल है, वहाँ उसको एनकरेज करना जरूरी है। हम क्या करते हैं कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, इसमें उनको हम ट्रेन करते रहते हैं। स्कूल में जाओ, पढ़ाई करो, ट्यूशन करो, पढ़ाई करो, मार्क्स लाओ, और मार्क्स लाओ, और स्कूल में क्लास में पहला आना चाहिए, कहीं भी पहला आना चाहिए। मतलब लोगों को मार्क्सवादी बनाते, मार्क्स लाओ, परीक्षा एग्जाम जो है, इम्तिहान जो है, उसमें कैसे अच्छे से ऐसे मार्क लाना, उसको टॉपिक भले ही ना समझे कुछ, मगर मार्क्स अच्छे कैसे लाना उसको हम सिखाते हैं। रट्टा मारो, पढ़ाई करो, उसको ये मालूम नहीं कि कौन से सवाल का कौन सा जवाब, उसको मालूम ये सवाल का जवाब है, क्यों है मालूम नहीं है, तो उसको ज्ञान कुछ भी नहीं है, नॉलेज नहीं है, सिर्फ उसको मालूम है कि कौन से सवाल का कौन सा जवाब है बस। उसको पढ़ाई में कोई कंपटीशन रहेंगी, उसमें कोई खेल है, उसमें जहां वहां पूछते हैं, पहला आया क्या, पहला आ गया तू, पहला आना चाहिए। मतलब उसको 90% मार्क मिले और वो क्लास में चौथा आ गया, तभी पेरेंट्स खुश नहीं है, नहीं पहला क्यों नहीं, अरे 90 कम हुए क्या, 90% बहुत ज्यादा मार्क हो गए। तो हम लोगों को, बच्चों को हमारे, हम सिखाते हैं मार्क्स कैसे लाना, उसके बदले कि भाई उसको अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे करना, ह्यूमन बीइंग कैसे डेवलप करना, वो हम देखते नहीं हैं। बड़ा बच्चा हो जाता है, उसको बार 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 यही सिखाया जाता है कि तू तेरा देख, अच्छे मार्क्स ला, तूने बाकी बच्चों को पीछे डालना चाहिए, तूने आगे बढ़ना चाहिए, तू तेरा देखते जा, पर तेरा ही तेरे से संभलता नहीं है, बाकी लोगों की मदद कर रहा है। मतलब ऐसा, उनको हम पहले से फोकस अपने खुद के ऊपर करने सिखाते हैं, और वहां से क्या होता है कि बच्चा 21 साल का, 22 साल का भी हो गया, तभी उसका फोकस अपने ऊपर ही है, ईगो सेंट्रिक बन जाता है वो। और फिर वो लोग बोलता है, मतलब उसको ट्रेनिंग ही वैसा है, और वो बोलता भी है कि मैं लोगों की परवाह नहीं करता, वो लोगों की परवाह नहीं करता है, वो खुद के ऊपर ही फोकस उसका है, बाकी गए गड्ढे में, किसी की उसको चिंता नहीं है, फिर उसको माँ बाप की चिंता नहीं होती, उसका पूरा फोकस अपने ऊपर है, और फिर लोगों को कैसा नीचा दिखाना, लोगों को कैसा पैर के नीचे दबाना, और अपने कैसे आगे बढ़ना, उसमें वो लगा रहता है, मगर इसमें तरक्की होती नहीं है। तरक्की तब होंगी जब आप बच्चों को इकोसिस्टम के बारे में सिखाएंगे। इकोसिस्टम मतलब एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब है कि पूरी दुनिया जो है वो मेरी फैमिली है। मतलब सिर्फ अपना खुद अपने लिए फोकस नहीं है, अपने फैमिली मेंबर के लिए पहले, फिर फैमिली मेंबर से अपने रिलेटिव्स, फिर रिलेटिव्स से फिर अपने आजू बाजू वाले पड़ोसी, फिर अपना एरिया, फिर अपना समाज, फिर अपना सिटी शहर, हमारा राज्य, हमारा देश और पूरी दुनिया, इसके ऊपर फोकस है, लोगों के ऊपर फोकस है, लोगों को क्या चाहिए, लोगों के लिए मैं क्या करूं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पहला नंबर, इसके बदले हम लोगों को, हमारे बच्चों को ये सिखाते हैं कि भाई आज तूने कितने लोगों की मदद किया, आज तूने लोगों के लिए क्या किया, आज तूने किसके चेहरे के ऊपर हंसी खिलवाई, किसको सपोर्ट किया, किसकी मदद किया, किसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाई, ये हम बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों को ये लेके बैठते, बोले ठीक है, आज तूने नया क्या सीखा पढ़ाई के अलावा, तो क्या होगा कि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा। हम उसको शेयरिंग की आदत सिखाते नहीं। बच्चों को हम क्या है, बच्चों को कुछ भी हम देते हैं ना खाने के लिए, चॉकलेट देते हैं, आइसक्रीम देते हैं, कोई देते हैं, तो वो खुद खाता है, उसको हम बचपन से वे शेयरिंग करे सिखाते नहीं है कि तू शेयर कर, लोगों को दे। उसको बोला ना कि मैं, मुझे दे दे, बोलता नहीं, मैं नहीं दूंगा, और खुद खाएगा। उल्टा वो इतना मतलब ट्रेनर है कि लोगों को जो दिया है वो भी अपने को वो चाहिए उसको, और वो छीन के लेगा। तो बचपन से हमारा जो फोकस है पूरा है, वो है ईगो सेंट्रिक। हमको फोकस करना है उनका इको सेंट्रिक, लोगों के ऊपर, एक्सटेंडेड फैमिली। इको इकोसिस्टम का मतलब होता है एक्सटेंडेड फैमिली, लोगों के ऊपर उसका फोकस है,
लोगों के लिए वो खड़ा है, लोगों के जीवन में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, बचपन से हम उसको सिखाते हैं तो बड़ा होने के बाद में बहुत बड़ा आदमी बनेगा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी वो खुद बनेगा और अपने देश को भी आके लेके जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी पेरेंट्स को शेयर करो, ताकि हर बच्चा हमारे देश का अच्छा नागरिक होगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोडिंग है आपका, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं। और आपको इस विषय में कोई भी सवाल जवाब होंगे तो डेफिनेटली नीचे नंबर दिए हैं उसके ऊपर आप सवाल जवाब कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और सवाल जवाब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।